हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल MZS वुडवर्क। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वार्डरोब का डिज़ाइन। ये पूरी जो वार्डरोब हमने बनाई है ये फ्रेमिंग पर बनाई है और इसमें हमने ग्लास लगा दिया है। पीछे लगाई है वो दो सूत की प्लाई लगाई है, उसके बाद हमने इसकी तीन साइड पर ग्लास लगाया है और ये पूरी फ्रेमिंग पर हमने बनाई है। तो इस अलमारी की मैं आपको डिटेल बताऊंगा। आप इसको काफ़ी काम में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें आपकी बुक्स वगैरह रख सकते हैं या किसी भी चीज़ में कन्फेक्शनरी के काम में यूज़ कर सकते हैं। कुछ हमें डिस्प्ले दिखाना है तो आप वो भी इसके अंदर सामान रख सकते हैं। और ये हमने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाई है। जो इसका हमने साइज रखा है, जो कम्प्लीटली लेंथ है, ये आपकी 5 फीट 4 इंची है। चौड़ाई है इसकी ये कम्प्लीटली 30 इंची है, तो 2.5 फीट हमारी इसकी चौड़ाई है और इसकी जो हाइट है ये हमारी 5 फीट 4 इंची है। तो मैं इसका आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा ऊपर से कुछ इस तरह से है जो हमने इस पर ये डिज़ाइन बनाया है। ये 6 इंच की हमने आधे इंच के प्लाई पे कम्प्लीट इसका डिज़ाइन बनाया है। उसके बाद हम इसके नीचे आते हैं, जो हमने इसमें ये सेल्फ डाला हुआ है ये 22 इंची का सेल्फ है, प्लाई का है। ये भी 4 सूत की प्लाई का है। बाकी हमने जो इसमें ये आपके पाए का यूज़ किया है, ये 2x2 का पाया है और इसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें ये चूल वगैरह कम्प्लीटली इसको मजबूत करके बनाया है। लकड़ी के फ्रेमिंग से ही हमने पूरी अलमारी को बनाया है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसमें जो ग्लास लगाया है वो 3 साइड लगाया है, एक साइड इधर लगाया है और इसी तरह से आपका एक साइड आपका ग्लास ही हमने इधर लगाया है और एक साइड इधर लगाया है। और ये इसकी ये 2 साइडें कम्प्लीटली पैक हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाई है हमने। उनको ये साइडें पैक चाहिए थी। उसके बाद हमने यहाँ पर ये एक पल्ला लगाया है जो कम्प्लीटली पूरी हाइट का है, नीचे से ऊपर तक। उसके बाद में इसमें जो कम्प्लीट सेल्फ हैं हमारे, 4 सेल्फ हैं, तो आपका इसमें एक सेल्फ यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद इसका एक नीचे सेल्फ, इसी तरह से इसके सभी सेम साइज़ का आप सेल्फ हैं। आप भी इसको अपने अकॉर्डिंग ही बनवा सकते हैं। इसका मैं डिज़ाइन दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से है। ये देखिए आप, ये कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन है। और ये तीनों इसकी 3 साइड आप इसमें ग्लास लगाया है, आप इसमें ग्लास भी लगा सकते हैं और ग्लास नहीं भी लगा सकते हैं। ग्लास लगाया वो किस तरह से लगाया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे भी हमने ये कॉर्नर का यूज़ किया है, ये आधा इंची वाला कॉर्नर है हमारा, तो हमने इसको लगाया इसके पीछे भी और आगे भी। तो ये हमारा कम्प्लीटली एक ग्लास का खांचा बन जाता है जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा आसानी से अपने ग्लास को लगा लेते हैं। तो इसी तरह से आप भी लगा सकते हैं, ग्लास भी चाहें आप ग्लास लगा सकते हैं। उसके बाद में इसमें हमने यहाँ पल्ला दिया है दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ पल्ला इस तरह दिया है आपका। और इसमें हमने 2 मैग्नेट लगा दिए हैं, एक मैग्नेट हमने नीचे लगाया है और एक मैग्नेट हमने इसके ऊपर लगाया है। इससे हमारा पल्ले के अंदर एंट नहीं आएगा। और इसमें 2 मैग्नेट लगा सकते हैं, इस तरह से हमने इसमें मैग्नेट लगाए हैं। ये देखिए आप, तो इस वाले जो सेल्फ की हमारी कम्प्लीटली गहराई है, तो ये 28.5 इंची का हमारा यहाँ पर सेल्फ है। इसमें हमने 4 सेल्फ डाले हैं इस तरह से। ये 1.25 इंच मोटा हमारा पल्ला है, में हमने ये 3-3 इंच वाले अभी इसमें पल्ले में 3 कब्जे लगाएं तो पल्ला हमारा एंटता नहीं है जल्दी से, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कब्जा नहीं लगाते हैं ना तो ये काफ़ी जल्दी हमारे पल्ले के अंदर एंट आ जाता है। अगर आप इस तरह से कब्जे लगाएंगे तो जल्दी से हमारे पल्ले में एंट भी नहीं आएगा। तो ये ऊपर आप इस तरह से कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं, ये दिख रहा होगा आपको, ये डिज़ाइन हमने बनाया है। तो यहाँ पर भी आप सामान वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारी जो इससे ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है ये इसी पर्पज़ के लिए बनाया है, ताकि आप कोई सामान यहाँ पर अगर रखना चाहते हैं वो साइड में कुछ ना गिरे। तो इस तरह से हमने ये डिज़ाइन को बनाया है, आप यहाँ पर सामान रख सकते हो। तो इसके नीचे हमने बेयरिंग लगाया है, 4 हमने इसके अंदर पहिए को लगा दिया है। आप इसको कहीं भी चलाकर लेके जा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा। ये वीडियो हमारी कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें। मेरी आने वाली सभी जानकारी की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द और मिलती रहेगी और मैं आपके लिए जानकारी से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और इसके नीचे हमने पहिए को लगा दिया है, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से लेकर जा सकते हैं। और इसमें जो ग्लास का यूज़ किया है ये 2 सूत वाले ग्लास का यूज़ किया है। ये प्लाई बोर्ड में भी बन सकता है, इसकी ग्लास की जगह पर प्लाई भी लग सकती है और ये कम्प्लीटली प्लाई में भी बन सकता है और इसके अंदर लेमिनेट भी लग सकती है। आप किसी भी कलर की लेमिनेट लगा सकते हैं। ये एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने इसको बनाया है। जो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।